करीब 6.25 फीट के लंबे तेज मूर्ति निराला हजारों लाखों की भीड़ में भी आसानी से पहचाने जा सकते थे। सुगठित मांसल शरीर, गंधमी रंग, भरा हुआ गोल मुखमंडल, प्रशस्त दिव्य ललाट, आंतरिक तेज से दमकती हुई बड़ी बड़ी लोहावनी आंखें, चौड़ा बक्षस्थल, प्रलंब भुजाएं, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के प्रथम सर्ग में मनु का जो वर्णन किया है, अवयव की दृढ़ मांस पेशियां, ऊर्जा स्वित्था वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, निराला बिल्कुल इसके प्रतिरूप थे। निराला देखने में ऐतिहासिक काल के सिंधु तटवासी आर्य लगते थे। उन्हें देखकर प्रसिद्ध रंगकर्मी तथा फिल्म कलाकार पृथ्वीराज कपूर के मुंह से सहसा निकला, बिल्कुल ईसा की सी शक्ल है। निराला जी बाहर से जितने सुंदर थे, उनका आंतरिक मन उससे भी अधिक सुंदर था। निराला के व्यक्तित्व में विद्युत की सी चमक थी तो हिमवान सा धैर्य भी, समुद्र सा गांभीर्य था तो परमहंस सा नीर क्षीर विवेक भी, और साथ ही अनीति और अनाचार के खिलाफ खुला विद्रोह, खुली चुनौती भी। निराला के काव्य में सागर का सा विस्तार था। उस काव्य जलधि में अदुकांत कविताओं के मोती भी थे और सुंदर के गीतों के रत्न भी। पावस की ऋतु ने कालिदास से लेकर निराला तक सबको प्रभावित किया है। गरजते हुए बादल, चपला धामिनी, झरझर झरती जलधाराएं, चारों तरफ फैली हरियाली, परंतु ऐसे में प्रियतम को पास ना पाकर विरहिणी नायिका व्याकुल होकर कह उठती है, घिर आए घन पावस के, अली घिर आए घन पावस के, लखिए काले काले बादल, नील सिंधु में खुले कमल दल, हरित ज्योति चपला अति चंचल, सौरभ के रस के, अली घिर आए घन पावस के।
सिंधु में फूले कमल दल, हरित ज्योति चपलाती चंचल, हरित ज्योति चपलाती चंचल, सौरभ के रस के समीर कंपित थर 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 झरती धाराएं झर झर झर, समीर कंपित थर 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 झरती धाराएं झर झर झर, जगती के प्राणों में स्मर शर, जगती के अखिल विश्व के नव यौवन की, मंद गंध कुसुमों में लिख दे, मंद गंध कुसुमों में लिख दे, लिपि जगे हंस के प्रियतम।
बरसे के।